हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम सीता राम। तो यहाँ पे ये छोटा बिल्ली का बच्चा, क्योंकि दादी इसको दूध पिला रहे इस बोतल की हेल्प से। जरा और इसकी मम्मी की डेथ हो गई है। सो बिल्ली थी ना वो हमारे घर पे, उस पता नहीं क्या हुआ है वो। सुबह दादाजी ने देखा था तो मरी हुई पड़ी थी उस तरफ खेत में। और ये बेचारा अभी छोटा सा ही है बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम सीताराम सबको। तो अभी यहाँ पर काम चल रहा है, ये जो बोरवेल है उसमें एक हमारा पंप है जो कि बहुत टाइम से इसी बोरवेल में था, तो उसको आज निकाल रहे हैं ये ट्रॉली में, ये रस्सा बांध के। बाद में ट्रॉली को ऊपर करते हैं तो थोड़ी सी लाइन बाहर आ जाए पाइपलाइन, तो उसके बाद हम ट्रैक्टर से खींच के निकाल सकते हैं उसको, क्योंकि लाइन पूरी अंदर थी इस वजह से इसको बाहर निकालेंगे। फिर वो पाइप ऊपर आता करते हैं। ये ट्रॉली में जो जैक होता है उसकी मदद से, क्योंकि ट्रॉली थोड़ी ज्यादा ऊपर होती है तो लाइन थोड़ी ज्यादा बाहर आ जाती है। ये तो अभी थोड़ी सी निकाल ली है बाहर, अभी थोड़ी सी रही है निकालने की, उसके बाद ट्रैक्टर से डायरेक्ट खींच के निकाल लेंगे। छापड़ा बोलते हैं ये जो पापा लाइन में वो बोल टाइप कर रहे हैं उसको, जिसकी मदद से लाइन पानी में नहीं जाती वापस, वो लगाते हैं तो उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। बाद में उसको एकदम टाइट कर देते हैं, लाइन वापस पानी में नहीं जाती, तो उसको चोली को नीचे करना है। तो अभी यहाँ पर ये जो बोरवेल में जो मोटर है उसको निकालने का काम चल रहा है। पहले ये ट्रॉली से जो हम उठा रहे थे वहाँ से उठा लिया, और अभी ये ट्रैक्टर से खींच रहे हैं ये कप्पा हम बोलते, जिसमें कि ये जो हमारा टायर होता है कार का, उसमें जो रिंग होती है वो इसमें फिट कर देते हैं और वो घूमती होती है, ये ऊपर से ऐसे जाती जाती है। तो ये अभी मोटर बाहर निकल जाएगी, और ये जो वायर जाता है उसको मैं ये रबल बांध देते हम, ताकि ये वायर नीचे ना जाए। ये मोटर है जो कि बहुत टाइम से ये पानी में ही थी। ये मोटर बाहर आ गई है, बहुत टाइम से ये पानी में ही थी, 6-7 साल हो गए इसको निकाला नहीं, जंग लग गया। तो भी यहाँ पर ये
मैं केले तोड़ के लाया हूँ, चार पके थे यहाँ पर हमारे घर पे, जो केले बाजार है उसमें देसी, देसी नहीं है देसी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम सबको। तो अभी यहाँ पर काम चल रहा है चोरी को के ऊपर ट्रैक्टर चलाने का, जिससे कि जो सींग होती है चोरी की वो टूट जाए और चोरी नीचे पड़ी रहे। तो हर बार हम ऐसे ही करते हैं। अभी तो वो बड़े वाले थ्रेसर आ गए हैं जिसमें कि डायरेक्ट चोरी निकल जाती है, वरना पहले से हम ऐसे ही करते हैं, ट्रैक्टर को इसके ऊपर चलाते हैं तो चोरी सारी नीचे, मतलब कि उसमें से सीन में से निकल जाती है और नीचे जो कपड़ा है उसमें आ जाती है। उसके बाद उसको वो जो फुकड़ी हम बोलते हैं थ्रेसर, उसमें निकाल लेते हैं, और ये जो कोई कोई सींग उसमें रह जाती है वो बाद में उसी में से निकल जाती है। ये ट्रैक्टर हमारे ट्रैक्टर से कर वापस जो बीच में कुछ रह जाती है उसको उसके बाद ऐसे साइड में कर देते हैं ताकि वो भी वापस टायर में आ जाए। ये ऐसे निकल जाती है, बट मैं इसको थ्रेसर में क्लीन कर लेते हैं। तो ये छुरी है जो कि यहाँ से इसे बाहर आई है। ट्रैक्टर को देखो अकेला चल रहा है, कुछ किया भी कर क्या 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 हाँ चलता है चलता है, सबका चलता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राम राम सीताराम। तो अभी घास काटने का काम चल रही है, सारा मैं नहीं काटा, इतना मम्मी तो अभी आए हैं मैंने ही काटा है, मैं कितना काम करती हूँ। ये देखो कितना काट लिया, वो तो अभी मैं चली गई हूँ ना हॉस्टल में, इसलिए काम करने की आदत छूट गई है। मैं तो देखो सड़का ही बचती तो काम नहीं करती थी मैं। और खुशी आई है, अब जानते ही होंगे, शायद भूल गए होंगे तो मैं पहचान करवा दूँ, मेरी मासी की बेटी है खुशी। अपना मुँह तो दिखा,
अभी कुछ बोल भी नहीं रही है, अभी तक उसका बक बक चालू ही था। अच्छा हुआ वीडियो चालू हुआ तो बक बक तो बंद हुआ थोड़ी देर, मेरे दिमाग को शांति मिलेगी। क्या बोल रही हो? अब बोलो क्या बोलो बोलो बोलो। उधर कुछ नहीं है, पानी है, पानी में गिरना है। और मम्मी ने आज ट्रैक्टर चलाया है। कैसा लगा मम्मी चला के? सिर्फ मम्मी सिर्फ बैठ गए थे, ब्रेक ब्रेक कुछ आता नहीं था। Yeah।